क्योंकि अनोखी डिश तो आपने पूरे भारत में खाई होगी और हमने भी खाई है थोड़ी बहुत, लेकिन आज हम आए हैं सूरत के अंदर में जेके फायर पे। तो भैया आज क्या धमाल मचाने वाले हो? आज तो आपको खिलाएंगे ज्वाला। ज्वाला? ओनली ज्वाला? अच्छा जी, क्या बात है, बनाइए भैया। तो सर आज हम सूरत आए हुए हैं और सूरत में देख रहे हैं हर डिश में लहसुन भर भर के आ रहा है। सर जी गुजरात में है लहसुन बिना यहाँ अंडा बेकार है। सर लहसुन बिना यहाँ बेकार है। बाकी दिल्ली में जाओ टमाटर और प्याज के साथ खिलाते हैं। बिल्कुल सर, गुजरात का खाने का तरीका अलग है, कुछ अलग है। और ये क्या आ गया सर इसके अंदर? ये पेस्ट है, ग्रीन पेस्ट है। ग्रीन पेस्ट, ये जा रहा है सॉल्ट। सॉल्ट? तो सर ज्वालामुखी सुनने में बड़ा यूनिक लग रहा है। यूनिक लग रहा है, देखने में भी यूनिक लगेगा, खाने में तो उससे ज्यादा यूनिक लगेगा। खाने में उससे ज्यादा ना यूनिक लगा तो बता दीजिएगा। बिल्कुल सर, जैसा नाम रहता है ना वैसा हम काम देते हैं, काम के साथ और टेस्ट पकड़ के देते हैं, वरना एक बार आया तो उसको कभी कहीं नहीं जमेगा हमारे अलावा। आप अगर गलती से एक बार हमारे वहाँ खाने आ गए ना तो आप कहीं नहीं जाओगे, एक बार खाओगे बार बार आओगे। बार बार आएंगे, वाह सर वाह गजब। ब्लॉगर भी बार बार आएंगे और वेंडर भी बार बार आएंगे। बिल्कुल सर, और जितने आपके फॉलोवर्स में जितने भी वेंडर है शॉपकीपर है वो भी हमारे वीडियो बार बार देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जेके फायर लाता कुछ दमदार है। जहाँ सबकी है ना बोलती बंद हो जाती है वहाँ से हमारी स्टार्ट होती है सोचने की क्षमता। तो आपके लिए एक लावा का ग्रेवी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर तैयार हो रही है भाई ज्वालामुखी का लावा ना सर? 100% ज्वालामुखी का लावा, और लावा ऐसा बिखरेगा भाई क्रश किया जाएगा। ठीक है सर, ताकि जब लावा उठे तो ये मिक्स होके ग्रेवी में मिक्स हो जाए। बिल्कुल सर, आप सोच रहे होगे लावा ये तवे पे कैसे उठेगा? जी सर बिल्कुल यही सोच रहे हैं। हाँ तो यही सोच रहे, आपकी सोच सही है क्योंकि तवा पे लावा उठना ही नहीं है। तवा पे लावा नहीं उठेगा? हाँ, फिर भी ये ज्वालामुखी का लावा है भाई। तो सर लावा उठेगा कहाँ पे? अरे भाई उठेगा उठेगा, जहाँ टेबल पे बैठोगे वही कुर्सी के नीचे लावा उठेगा। अच्छा कुर्सी के नीचे? बम तो नहीं लगा रहे सर? बम नहीं लगा रहे, बम से कम भी नहीं। तो सर अपने पास अंडे की लगभग कितनी डिश होगी? भाई साहब करीबन 700 डिश मेरे पास है। 700? तो मैंने सोचा था सर वही है जिन्हें भाई कम हो, यहाँ तो डिशे इतने गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। गिनने की जरूरत मतलब 700 प्लस है? 700 करीबन 700 से कम है। कम से कम 700 करीब पता जा रही है। लहसुन? लहसुन तो बता नहीं सकते क्योंकि लाए हैं हमारे बाबूजी, अभी भी है। ये रहा चाट मसाला, ये रहा हल्दी पाउडर। एक गिन के क्या फायदा? एक गिन के क्या फायदा? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है भाई। जाओगे? हाँ देता हूँ मैं कस्टमर को टेबल पे, फिलहाल आपको डायरेक्ट तवे पे ही बता देता हूँ। ठीक है।